हेलो गाइस, अगर आप भी फोन पे के थ्रू से पैसा किसी को भेजना चाहते हैं या बिल पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम आ जाता है फेल्ड का, यानी आप किसी को पैसा भेज नहीं पा रहे हैं, बिल पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, यानी आप जब पैसा भेजने जा रहे हैं या बिल पेमेंट करना जा रहे हैं तो आपके सामने एक एरर आ जाता है फेल्ड का, यानी आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आज के इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि फेल्ड क्यों होता है, यानी आपका पैसा जा क्यों नहीं रहा है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस में मोबाइल की स्क्रीन में जा करके फोन पे एप्लीकेशंस को खोल करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को इसकी बिल्कुल हिम्मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल साउथ के टैग में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूं मोबाइल के स्क्रीन में। अगर आप अपने फोन पे एप्लीकेशन से किसी बंदे को पैसा भेज रहे हैं या बिल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांजेक्शन फेल्ड, तो मेरे भी साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, यानी मैं किसी को पैसा भेज रहा हूं तो ट्रांजैक्शन फेल्ड बता रहा है, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का दो तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले मैं एज अ प्रूफ दिखा देता हूं कि मैं जब पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो फेल्ड कैसे बता रहा है। तो उसको बताने के लिए, एज अ प्रूफ दिखाने के लिए, सबसे पहले मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। जैसे फोन पे एप्लीकेशन ओपन किया तो मैं अपने फोन पे अकाउंट से किसी बंदे के फोन पे अकाउंट में पैसा भेज करके दिखाता हूं। तो पैसा भेजने के लिए टू मोबाइल नंबर पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे टू मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहां पे मैं किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लेता हूं जिसको मुझे पैसा कुछ भेजना है। तो सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं एमडी फारिक को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहां जितना भी अमाउंट भेजना है यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहां पे अमाउंट डाल देता हूं, जैसे मुझे उसे 10,000 रुपया भेजना है तो यहां पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको उसी के सामने एक पे वाला ऑप्शन से उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे सिलेक्ट किया तो आपके सामने अपने फोन पे अकाउंट में जो भी यूपीआई पिन बना के रखे यहां पे आपको डाल देना है। डालने के लिए शायद मेरा मोबाइल के डिस्प्ले ब्लैक दिखा रहा होगा क्योंकि फोन पे का पॉलिसी है किसी का यूपीआई पिन किसी को शो नहीं करवाता है। उसके बाद आपको सही वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ ही प्रोसेस होगा और मेरा ट्रांजैक्शंस यहां फेल्ड बता दे रहा है। शायद आपका भी इस तरह का ट्रांजैक्शंस फेल्ड बता दे रहा है, तो आप इसको ठीक किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने का दो तरीका है। जो पहला ट्रिक्स वो मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। आपको क्या करना है, अपने फोन पे अकाउंट को होम पेज पे चला जाना है। तो होम पेज पे जाने के लिए आपको बैक आना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने फोन पे अकाउंट के होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना होगा, अपने फोन पे अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट को ऐड करके रखे हैं उसको रिमूव कर देना है, अनलिंक कर देना है, यानी हटा देना है। अब हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, बाएं साइड ऊपर में अपने फोन पे अकाउंट के प्रोफाइल में जो भी डीपी लगाए होंगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जो मैं आपको तीर के निशान के जरिए से दिखा रहा हूँ। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने अपने फोन पे अकाउंट का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। आप अपने फोन पे अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट को ऐड करके रखे हैं यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको अनलिंक और रिमूव और हटाने के लिए इसी के बैंक अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करके नीचे साइड आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अनलिंक बैंक अकाउंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, कैंसिल और अनलिंक का। तो अनलिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपके फोन पे अकाउंट से बैंक अकाउंट रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, अनलिंक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने फोन पे के होम पेज पे, यानी फोन पे अपने मोबाइल के होम पेज पे चला जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। बहुत सारे मोबाइल में मैनेज ऐप्स का ऑप्शन रहता है और किसी के मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन रहता है। तो मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन है तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन से मैनेज ऐप्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपके मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशंस होगा यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे शो हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फोन पे को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे फोन पे लिख देता हूँ। जैसे ही फोन पे लिख दिया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं फोन पे ऊपर आ गया है। अब इसको डाटा क्लियर करना है। जैसा भी हो, आप अपने फोन पे एप्लीकेशन से जो भी बैंक अकाउंट को ऐड करके रखें उसको रिमूव करके अपने फोन पे एप्लीकेशन का डाटा को क्लियर करना है, जैसा भी आपको करना है। जैसे मेरे मोबाइल में इस तरह का आता है तो मैं इस तरह का डाटा क्लियर कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे से दो ऑप्शन है, एक अनइंस्टॉल और एक क्लियर डाटा।
तो क्लियर डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दो ऑप्शंस आ जाएगा, क्लियर ऑल डाटा, क्लियर कैश। तो आपको डाटा क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएगा, कैंसिल और ओके, तो आपको ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फोन पे एप्लीकेशंस का डाटा क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, फिर से फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करना होगा। तो मैं अपने मोबाइल के होम पेज पे चला जाता हूं और फिर से यहां फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करता हूं। जैसे ही फोन पे एप्लीकेशंस ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। पहले ही से जिस नंबर से आप फोन पे एप्लीकेशंस यूज कर रहे थे उस नंबर को यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फटाफट डाल देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपना मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना हो, नीचे साइड एक प्रोसीड वाला ऑप्शन से उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर यूर 4-डिजिट पासवर्ड, यानी अगर आपको पासवर्ड याद है तो यहाँ पासवर्ड डाल करके लॉग इन हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ एक दूसरा ऑप्शन है अदर लॉगिन ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दो ऑप्शन है, लॉगिन विथ ओटीपी, लॉगिन बाय एसएमएस। तो आपको क्या करना है, लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पर ऑटोमेटिक ओटीपी आ जाएगा और उसको कलेक्ट कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑटोमेटिक ओटीपी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको सबको एलो कर देना है। तो मैं यहाँ पे एलो कर देता हूँ, उसके बाद आपको इसको कैंसिल कर देना। आपको क्या करना है, अपने फोन पे अकाउंट में जो बैंक अकाउंट पहले ऐड करके रखे तो आपको ऐड करना है। तो ये ऐड करने के लिए एडिट बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, फिर से अपने फोन पे अकाउंट के प्रोफाइल यानी बाएं साइड ऊपर में जो मैं आपको तीर के निशान के जरिए से दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऊपर ही में एडिट बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ सारे बैंक अकाउंट का नाम और लोगो आ जाएगा और जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो सही बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइंडिंग अकाउंट लिंक विथ नंबर से मेरा बैंक अकाउंट ओपन क्या हुआ है या नहीं है, तो सर्च किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एडेड सक्सेसफुल, फोन पे अकाउंट में बैंक अकाउंट एड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे साइड एक ऑप्शन से डन कर, डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ भी परमिशन या एड्स आएगा इसको आपको कट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है, यानी फोन पे एप्लीकेशन को होम पेज पे आ जाना। अब मैं आपको किसी बंदे को पैसा भेज करके दिखा रहा हूँ कि वो फिर से ट्रांजेक्शन फेल बता रहा है या सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से दूसरा जो ट्रिक्स वो भी बताऊंगा। अगर हो भी गया है तो भी आपको दूसरा ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपका इस तरीके से सही हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरा ट्रिक्स को आजमा सकते हैं। तो 2 मोबाइल नंबर पर सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद किसी बंदे को यानी फारूक को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद फिर से यहां जितना अमाउंट भेजना है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैं 1 रुपया यहां सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी के सामने पे वाले ऑप्शन से उसको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने अपने फोन पे अकाउंट में जो भी यूपीआई पिन बनाए होंगे यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई पिन फटाफट डाल देता हूँ। शायद कि मेरा मोबाइल का स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो ब्लैक दिखा रहा होगा, क्योंकि ये फोन पे का पॉलिसी है कि किसी का यूपीआई पिन किसी को शो नहीं करवाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन शॉट साइड में लगा दिया हूँ। उसके बाद नीचे साइड आपको क्या करना है, एक सही का आइकन होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फोन पे अकाउंट से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा फोन पे अकाउंट से पैसा सक्सेसफुली जा चुका है। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन फेल के जो भी एरर आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, आप सही कर सकते हैं। मेरा भी ट्रांजेक्शन फेल बता रहा था, अब मैं ये सारे चीज़ किया तो मेरा सक्सेसफुली ठीक हो चुका है। अगर आपका इस तरीके से नहीं होता है तो आपको दूसरा क्या करना है, जो दूसरा तरीका है वो भी आप सुन लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे मैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखना है फ़ोन पे। जैसे ही फ़ोन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऊपर ही में आ जाएगा फ़ोन पे यूपीआई रिचार्ज। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी फ़ोन पे एप्लीकेशन को यहाँ पे फिर से अपडेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन पे यूपीआई पेमेंट रिचार्ज
तो ये मेरा अनइंस्टॉल है, उसके बाद यहाँ अपडेट मांग रहा है। तो अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो यहाँ से फिर से आपको अपडेट कर लेना है। ये दूसरा ट्रिक से, तो मेरा पहले ही ट्रिक में सक्सेसफुली ठीक हो गया जो मेरा ट्रांजेक्शन फेल बता रहा था, और यहाँ फिर से मेरा अपडेट मांग रहा है, तो मैं इसको दोबारा से अपडेट नहीं करूँगा। अगर आपका पहले तरीके से ठीक नहीं होता है और आपका अपडेट मांग रहा है, अगर वो ट्रिक्स करने के बाद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में आना होगा, उसके बाद फोन पे एप्लीकेशंस को अपडेट कर लेना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।